इंडिया इंटरफेयर करता है हमारे मसाइल के अंदर, जो उसकी लॉबीज हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जो जो हमारे यहाँ, हाँ एमिकेबली डिसाइड करना चाहिए कि इंटरफेरेंस को वन साइडेड ना देखना चाहिए कि इंटरफेरेंस सिर्फ इंडिया ही करता है, हमें इंडिया के भी कंसर्न देखने चाहिए ना कि कहाँ पे उनके कहाँ पे कंसर्न है जो हमारी इंटरफेरेंसेज हैं। भाई का चैनल मैं अक्सर देखता हूँ। अब भाई के ये क्या होता है मैं बताता हूँ, इसके इंटरव्यूज का क्या सीन होता है, इसके इंटरव्यूज जहाँ पे हम इंडिया की तारीफ कर रहे हैं ना, वो लोग उतना काट के अपने कौन लोग, ठीक है अब मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बात नहीं, कौन लोग आई डोंट नो, आप इसके अंदर देखें, हमने तो अपनी बात करनी है, हमने भाई ऐसे क्योंकि डिस्कशन ही इंडिया से कंपैरिजन होता है ऑलवेज। सरे आम आज आज खुले, एक मिनट मेरी बात सुने, मैं खुले आम ये कहता हूँ, मेरी बात सुने, मैं खुले आम कहता हूँ मेरा डिस्कशन, मेरा टॉपिक इंडिया के रेलिवेंट होता है और मैं करता रहूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे राइट है। आपको रिलेशन खराब करने आप करें, मैं चाहता हूँ रिलेशन बेहतर करने की, मैं बात लगाना चाहते हैं इंडिया मुर्दाबाद में से कौन कौन ये कहना, और इससे नहीं नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद पहले है, लेकिन ये तो आप कहेंगे इंडिया मुर्दाबाद, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, आप कहेंगे इंडिया भाई। अभी देखे इंडिया से मेरे ख्याल में जितने अच्छे तालुकात हम करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं क्रिकेट से शुरुआत करो, भाई क्रिकेट क्यों बंद कर रहे हैं, ये हमें नजर आते हैं। आपने बोला इंडिया कहां से आ जाता है, आज आपने सिर्फ जाके न्यूज पढ़नी है, जाके मीडिया पे देखना है कि आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान की जो फॉरेन अफेयर्स की जो कमेटी है, उन्होंने ये रिकमेंडेशन शहबाज शरीफ साहब जो के प्राइम मिनिस्टर हैं, गौर से सुनेगा, उन्हें दिया है कि इंडिया के साथ हालात बेहतर करें। अब क्या वो सारे पार्लियामेंटेरियन गद्दार हो गए? गद्दार नहीं है, वो उन्होंने इंडिया को क्यों डिस्कस किया, उन्होंने इंडिया को क्यों हमेशा की तरह, बस सुन तो लो, पाकिस्तान की जो हालत है हमारे कुछ पॉलिटिशियंस की वजह से है, हमारे अंदरूनी मामला तो नहीं मानते हैं ना, फिर हम क्यों किसी पे ब्लेम करते हैं, मेरा ये हम कब ब्लेम करें, वो जो तुम बात करते हो जब इंडिया की तब हम बात करते हैं। मैं आपको दे सकता हूं कि जब हम हमेशा ब्लेम करते हैं, अभी कल मैं आप फिर कहते हो इंडिया का नाम कहां से आ गया, अभी कल शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है, खबरें पढ़ा करें आइडिया, उन्होंने ये बोला है कि जो 9 मई को हुआ वो 1965 में इंडिया नहीं कर सका, मतलब हम अपने घर के मामले में फिर इंडिया को ले आए, ये हमारे अंदरूनी मामला थे, तो इंडिया का क्यों नाम, इंडिया का क्यों नाम, हां इंडिया का क्यों नाम, अब इंडिया के वीडियोस इंडियन चैनल्स पे चलते हैं, बाकी नीचे के साथ रिलेशन बेहतर करे जाए, हमारी मजहबी जमातें भी हों या कुछ पॉलिटिशियन भी हों, इवन पब्लिक से कुछ लोग हों, वो कहते हैं कि भाई ये इंडिया के साथ हमने रिलेशन करने ही नहीं बेहतर, हमारी गवर्नमेंट ने जब कोई काम करना होता है या किसी को कोई काम समझाना या बात समझानी होती है ना, वो कर लेते हैं, ये सिर्फ प्रायोरिटीज की बात है, अगर ये आज अगर ये रिलेशन बेहतर करना चाहे तो ये 2 दिन का काम है, ये कोई आज पब्लिक के माइंड में ये नफरत है कि हमने कोई नफरत नहीं है, कोई नफरत नहीं है, नफरत हो तो आप सबसे पहले इंडियन मूवीज देखना छोड़ दें, चेक करते हैं, एक छोटा सा सर्वे करते हैं, आप क्या कहते हैं इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए या नहीं? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सामा काजी, और मैं बेसिकली जियोलॉजिकल इंजीनियर हूँ, और सर मेरा प्रोस्पेक्टिव ये है कि जिस तरह हम इमोशनली जब सोचेंगे ना तो हम मेंटली कुछ जो है नहीं कर सकते, मतलब ये है कि जिस तरह जापान को आप देखें, उसने वार से अपने हाथ पीछे किए और उसने मेंटली जो है वो फोकस किया, आज तब वो ऊपर है। यूरोप को देखें, जंगें हो चुकी हैं उनके दरमियान, जो उनसे वर्ल्ड वार हो चुकी हैं, लेकिन वो अपने रिलेशन बेहतर किए हुए हैं। अब क्या कहते हैं भाईजान इंडिया के साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? शायद 1-2 दिन पहले भी बिल्कुल 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 ये सुन रहे होंगे आप, तो अपना स्टांस वही रखेंगे या क्या कहेंगे, रिलेशन बेहतर होने चाहिए? मेरे ख्याल में जितनी पाकिस्तान ने कोशिश की है इंडिया से हालात बेहतर करने की, वो उसके बाद नहीं उसकी तरफ बाद में आते हैं, आप ये बताएं होने चाहिए या नहीं, बस वो फिर बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो मसाइल हैं हमारे इंडिया के साथ, जो कश्मीर इश्यूज हैं, जो इंडिया इंटरफेयर करता है हमारे मसाइल के अंदर, जो उसकी लॉबीज हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जो जो हमारे यहाँ, हाँ एमिकेबली डिसाइड करना चाहिए कि इंटरफेरेंस को वन साइडेड ना देखना चाहिए कि इंटरफेरेंस सिर्फ इंडिया ही करता है, हमें इंडिया के भी कंसर्न देखने चाहिए ना कि कहाँ पे उनके कहाँ पे कंसर्न है जो हमारी इंटरफेरेंसेज हैं। एक साइड पे अगर हम बात करेंगे, लेट्स सपोज मैं इधर खड़ा होकर कहता हूँ पाकिस्तान में जो गलत हो रहा है वो इंडिया की वजह से हो रहा है, 1948 ऑनवर्ड्स हम लोग कितनी जंगें लड़ चुके हैं, क्या नतीजा निकला कश्मीर का, और इस टाइम कश्मीरी हमसे ज्यादा सुकून में, आप मुझे बताएं, तो फिर उसमें हम उसको कर रहे हो, आजाद कश्मीर की भी बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की भी बात कर रहा हूँ, वो हम लोगों से इंडिया साइड कश्मीर हमारे से ज्यादा, दोनों मेरा ये ख्याल है, आप देख लेना जिनके लिए हम लोगों ने आज तक अपने रिलेशन नहीं ठीक किए ना, वो तो रिलैक्स है, पर निस्बतन रिलैक्स है, हम लोग यहाँ पे 800 रुपए लीटर, जम्मू कश्मीर वाले जो लोग हैं वो रिलैक्स है, कैसे कह सकते हैं कि वो रिलैक्स नहीं है, आपका सवाल था पहले, आप बताएं ना
सबसे बड़ी बात है सर, उनको आज़ादी अभी तक नहीं मिली। वो जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं कि एक रेफरेंडम हो, जिसके हमें हक दिया है रेफरेंडम का कि हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं पाकिस्तान, सबसे पहले उनको वो राइट दिया जाए। जनाब मैंने यही बात की है ना, तो अब खुश केबली डिसाइड होने वाली होती है, एम पी के बैठ के डिसाइड हो रहे हैं कि भाई अगर हम लोग वन साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू इधर से ही दिए जाएंगे तो कैसे, उनको भी बीच में बिठाएं, टेबल टॉक करें। लेकिन ये कहीं ना कहीं से तो बात शुरू करनी पड़ेगी ना। अगर 100% एग्री करता हूं टेबल टॉक, लेकिन ट्रेड बंद होनी चाहिए या बिल्कुल नहीं? ट्रेड बिल्कुल नहीं है इसमें, ये जहाँ पे आपके माशी मामला आ जाते हैं उसमें तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। भाई मुझे बताएं 800-900 रुपए लीटर कुकिंग ऑयल कौन खरीद रहे हैं? हम खरीद रहे हैं। वहाँ पे क्या रेट है वहाँ पर? मेरा ख्याल है अब उनके तीन गुना हमारा करेंसी का डिफरेंस। ओवरऑल बताता हूँ कि वहाँ पे जो चीज, लेट्स सपोज अगर सब्जियों की बात करें, वहाँ पे जो सी चीज 20 रुपए केजी मिल रही है, यहाँ पे वो 200-150 केजी। उन्होंने जज्बाती होके हमेशा अपना ही नुकसान की है और वो अब वो हम करते रहेंगे, लेकिन चले अल्लाह करे। सोच बदलनी है ना, मुझे बदलनी है क्या सर? आपसे क्वेश्चन है, आप आजादी किसे कहते हैं? बेसिकली वो आजाद है, हम वो कश्मीर वाले आजाद है सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मीटिंग करके अब देखे भाई का चैनल मैं अक्सर देखता हूँ। अब भाई के ये क्या होता है मैं बताता हूँ, इसके इंटरव्यूज का क्या सीन होता है। इसके इंटरव्यूज जहाँ पे हम इंडिया की तारीफ कर रहे हैं ना, वो लोग उतना काट के अपने कौन लोग, ठीक है अब मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बात नहीं, कौन लोग आई डोंट नो। आप इसके अंदर देखें, हमने तो अपनी बात करनी है, हमने भाई क्योंकि डिस्कशन ही इंडिया से कंपैरिजन होता है ऑलवेज। सरे आम आज खुले, एक मिनट मेरी बात सुने, मैं खुले आम ये कहता हूँ, मेरी बात सुने, मैं खुले आम कहता हूँ मेरा डिस्कशन, मेरा टॉपिक इंडिया के रेलिवेंट होता है और मैं करता रहूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे राइट है। आपको रिलेशन खराब करने आप करें, मैं चाहता हूँ रिलेशन बेहतर करने की। मैं बात कह रहा हूँ, बात इस तरह होनी चाहिए, आप हमारे अंदरूनी मामला की बात करें, हमारे मौजूदा मसाइल की बात करें। आपके इंटरव्यूज की वजह से, आपके इंटरव्यू मैंने खुद देता हूँ, मैं फॉलो दूँ, मैं रेगुलर अब आपसे बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, मैं इस बंदे के देता हूँ, इसके जो इंटरव्यूज होते हैं ना कई है, हमारे आप तो फिर समझ आ रहे हैं, बड़े बात गिन चुन के कर रहे हैं। ये दिखाता है, ये देखे, ये भाई सिटी देखे, लोग कहते हैं एक भी मेरी ऐसी वीडियो आए तो मैं यहाँ पे, ये जितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, कितनी एजुकेटेड बात हो रही थी, एजुकेटेड बात हो रही थी। ब्लेम गेम में जाना मकसद नहीं है, मुद्दा इमोशनली जब सोचेंगे सर, इमोशनली जब आप सोचेंगे तो ऐसे ही होगा, जंगे ही होगी। आपको मेंटली सोचना चाहिए, टेबल टॉक वाली बात है, ये नहीं है कि वो हिंदू है और हम मुसलमान हैं, वहाँ हमसे ज्यादा मुसलमान है। नेगेटिवली दिखाते हैं वीडियो, दिखाते हैं तो उसमें मेरा कसूर है? मैंने, मेरा काम है, मैं पॉजिटिविटी क्रिएट करूंगा, मेरा काम है। बहुत सारे एंकर्स हैं, बहुत सारे एंकर, आप तो मैंने इट पुटो तो एंकर निकल आंदा, ठीक है, अच्छी बात है ना, ये तो उनका राइट है। हम एंकर नहीं, अगर उन्होंने आईटी को और इन मामलों को, यूट्यूब को अपना अर्निंग का सोर्स बनाया तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हम लोगों ने 9 to 5 नौकरियां करके क्या आजकल, आज तक क्रिकेट किसने बंद की हमारे साथ खेलना? हम तो कह रहे क्रिकेट से शुरुआत करो, वो क्यों नहीं कर रहे? पता है अभी क्रिकेट भी हमारा मैच होने जा रहा है, आपको चीजों का वाई वो इंटरनेशनल आईसीसी के मैचेस होते हैं जो मेन, ये मसला है ना कि वो यहाँ आके नहीं खेलना चाहते ना, लेकिन क्रिकेट तो वो खेल रहे हैं। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ लगा दो आप, लगाना चाहते हैं? हाँ जी, इंडिया मुर्दाबाद। में से कौन कौन ये कहना और इससे नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद पहले है, लेकिन ये तो आप कहेंगे इंडिया मुर्दा, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। आप कहेंगे इंडिया, भाई अभी देखे इंडिया के साथ तल्लुकात की बात कर रहे हो ना, तो भाई इंडिया के साथ नहीं, मैंने ओवरऑल बात की, टॉपिक पे रहते हैं। इंडिया से मेरे ख्याल में जितने अच्छे तल्लुकात हम करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं क्रिकेट से शुरुआत करो, भाई क्रिकेट क्यों बंद कर रहे हैं? ये हमें नजर आते हैं, यही वीडियो इंडिया में देखी जाए तो वो क्या समझेंगे? मेरी बात सुने ना, नॉर्मल कंज्यूमेबल आइटम्स है ना, डेली हाउस होल्ड चीजें हैं, आलू प्याज टमाटर बंद करके किसका नुकसान हुआ? किसका? भाई इंडिया ने भी ट्रेड बंद की है हमसे, हमने नहीं बंद की, इंडिया भी ट्रेड बंद कर रहा है, यही नॉलेज है ना। अगर हम क्या, उसने कॉटन बंद कर दिया हमारा, ट्रेड किसने बंद की? कोरोना में मेरी बात सुने, जब सारी दुनिया पाकिस्तान में इंडस्ट्री खुली थी ना, हमें बड़े अच्छे ऑर्डर्स मिले थे, सब कुछ जा रहा था, लेकिन हमारा पाकिस्तानियों का माइंडसेट है, हम लोग किसी चीज को मेंटेन कर ही नहीं सकते, हमने अपनी क्वालिटी इतनी गिरा दी, उसके बाद हम ट्रेड से कश्मीर पे आ गए, चले कश्मीर की बात, आर्टिकल 370 की वजह से इररेलेवेंट है। अब आपको ये कह देंगे आप पाकिस्तानी नहीं है, आप पाकिस्तानी नहीं, उसका राइट है, मेरा अपना राइट है,
मैं कह रहा हूँ सबसे पहले कश्मीर, मैं इनसे 100% एग्री करता हूँ। देखें पाकिस्तान में इस टाइम पाकिस्तान के लाहौर में शहर में खड़े हैं और बहुत बड़ा बाजार है, लाइट नहीं मौजूद। हमें ये रोना रोना है, डेवलपमेंट का रोना रोना है, या फिर हम कश्मीर कश्मीर की बात करें? हम आजाद नहीं है, वो आजाद है। मैं सर 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 इनकी बात सुने, ये क्या कह रहे हैं? मैं पर्सनली वहाँ गया हूँ, वहाँ के लोग कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, सिर्फ मोस्टली आई बिलोंग श्रीनगर, हम पाकिस्तान के साथ जीना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, कोई दूसरी बात नहीं है। वो बात ठीक है, कश्मीर पॉजिटिव मरना पसंद, हमने पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ रहना है, मरना है, जीना है। तल्लुका बहाल करो, इंडिया की बातों बातों में इंडिया आप करो, बातों बातों में पाकिस्तान को लो करो। भाई तू अभी बात हो रहे हैं सर, ये देखें अभी कह रहे थे मैं इंडिया के साथ तल्लुकात चाहता हूँ, भी कहते हैं इंडिया के साथ तल्लुकात की। मेरा आपको यहाँ पे ये एडवाइस है, वो जिस तरह आपका राइट है ना अपने चैनल पे किसी भी तरह का कंटेंट दिखाना, ये उनका राइट है। अब आपकी मर्जी, उसका उनका ओपिनियन, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप उस पर दिखाएं या ना दिखाएं। तल्लुकात करने की हमारी गवर्नमेंट प्रॉब्लम कर रही है, हमारी गवर्नमेंट आगे नहीं हो रही। मैंने तो कहा है कि एमई केबली कहीं ना कहीं से तो बात स्टार्ट करनी है ना भाई। ये तो हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुकी है, आप ही की बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारी गवर्नमेंट कह रही है वो तो क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहते, हम तो फिर क्रिकेट मैच चाहते हैं। जिस दिन गवर्नमेंट चाहेगी ना उसका अगले दिन रिजल्ट आप ही देंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाह रही है रिलेशन बेहतर करना? ये जो आप गवर्नमेंट आई है, अब आई आपकी बात ओवरऑल, ये इनके ये नहीं ओवरऑल जब भी ये तो परवेज मुशर्रफ की भी आप बात करें तो ये आम ये जो पॉलिटिशियन से ज्यादा तो हमेशा ये जो डिक्टेटर से इन्होंने कोशिश की है की इंडिया के साथ मामला बेहतर है। तो ये अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है? हम तल्लुका बेहतर नहीं करना चाहते, आपका मतलब ये कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं चाहती इंडिया से तल्लुका बेहतर हो? उन्होंने ये नहीं बोला, मकसद यही है, बात करने का मकसद यही है, ठीक है? अब मैं बताता हूँ, हमारे वजीर खारजा इस वक्त के ये पॉलिसी मैटर है। अगर पहली गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं थी तो जाहिर है कि उस चीज को वाइप आउट करने में, उसको बेहतर करने में टाइम तो लगेगा ना। बिलावल भुट्टो जरदारी वहां गए हैं, नहीं जाना चाहिए था इस तरह करने के लिए, किसी को तो जाना था ना आगे, तो फिर अभी ये कह रहा है, अभी ये बंदा कह रहा है वहां पे गया, मैं थोड़ी सी बात करता हूं। इंडिया ने कहा है, हम तो चाहते थे शुरुआत हो, आना जाना हो, टेबल टॉक हो, हम तो चाहते थे। पहले एजेंडा सेट होता है, उससे पहले मिनट्स ऑफ मीटिंग बनते हैं, वहां जाके आपने क्या बात करनी है? अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे, रस्ते खुलते हैं, रस्ते यूनाइटेड नेशन अच्छा। में जाके बिलावल साहब ने पता क्या अच्छा। बोला था बुचर ऑफ गुजरात, एक तरफ हम ऐसी स्टेटमेंट दें, दूसरी तरफ हम जाके कहें टेबल टॉक होनी है। उन्होंने ये बात कर दी, कही थी ये बात, इसलिए कहते हैं ना बात सोच समझ के करनी। इंडिया ने वहाँ 8 कंट्रीज की समिट में, अच्छा सुन तो ले, उसको एक तरफ गालियां निकालते थे और दूसरी तरफ कोशिश करते थे कि वहां पे उनके, वो जी मेरा फोन नहीं, एक मिनट के लिए बात ही नहीं, एक मिनट बात भाई, अभी रिसेंटली एक माह पहले की बात है, बिलावल भुट्टो गया वहां पे कि भाई जाना है तल्लुकात बहाल करे, एक समिट हो रहा है वहां पे जाना हमने। अब बिलावल भुट्टो गया तल्लुकात बढ़ाने के लिए गया, ठीक है? आप कह रहे कि पाकिस्तान पॉजिटिविटी नहीं दिखाता, अब मैं बताता हूँ उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है द फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म, पाकिस्तान फैक्ट्री है टेररिज्म की, यानी दहशतगर्द पैदा करने की फैक्ट्री है। इतना बड़ा उन्होंने, इसमें कैसे तो लुका बेहतर करें? इसमें हमें ये चाहिए कि हम प्रूव करें, हम प्रूव करें यहाँ पे कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे लोगों ने कई बार वहाँ पे एप्लीकेशन लिखी है, आए जी तल्लुका उनको वो बुचर ऑफ गुजरात और ये सब कुछ कहा था ना, तो हमेशा अपनी इंडिया जान छुड़ाता है टेररिज्म। शहबाज शरीफ इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 3 दिन, शहबाज शरीफ है प्राइम मिनिस्टर, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उन्होंने 3 दिन पहले ये बोला है कि लाहौर में 3-4 दिन पहले के लाहौर में इमरान खान साहब के घर उनकी गवर्नमेंट से बोला गया कि 40 दहशतगर्द मौजूद है, क्या अब वो भी गद्दार हो गए? वो यार भाई दहशतगर्द हमारा अंदरूनी मामला है, हम इंडिया को नहीं कह रहे, वो हमारा अपना मामला है। अंदरूनी मामला। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वाइंड अप करते हैं, देखिए जज्बाती होंगे जी, तल्लुका बेहतर नहीं चाहता, हम कई बार कोशिश कर चुके हैं, इन्हें भी मौका दें, आप क्या कहना चाहेंगे? ये सर बेसिकली जिस तरह जो कश्मीर है ना, वो बेसिकली एक दाना है, दो मुर्गियों के दरमियान दाना डालते हैं, हम दोनों को जज्बाती करते हैं और हम लोग जज्बाती हो के सब कुछ भूल जाते हैं। मैंने जापान की मिसाल इसीलिए दी कि अगर हमें तरक्की याफ्ता मुल्क बनना है तो हमें माइंड से सोचना पड़ेगा, जज्बात को थोड़ा साइड पे रखना पड़ेगा, ठीक है? अब अगर आप कहते हैं कि इंडिया को जो है वो हमें मुंह नहीं लगाता, तो जब आप सोचें एक लेवल पे चले जाते हैं तो आप अपने छोटे से उसको मुंह लगाएंगे?
हम इसी लेवल पे अभी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ये क्या वजह है कि बैरूने कंट्रीज जाके दुबई जाके ऑस्ट्रेलिया जाके इंडिया वाले पाकिस्तान वाले एक होके बैठ जाते हैं, यहाँ पे आके हम लड़ रहे हो? यही बात है, हमें पब्लिक की बात कर रहा हूँ, पब्लिक इंडियन पब्लिक भी हमारे जैसी है, इंडियन पब्लिक भी हमारे जैसी है। लास्ट वीडियो में क्या बोला था कि वो तो जो है वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, मैं तो अल्फाज भी नहीं, भाई वहाँ पे ऐसे नफरत बढ़ेगी या मोहब्बत? अभी तुमने बात की, नफरत बढ़ेगी, सुन तो लो वहाँ भी कुछ एक्सट्रीमिज्म लोग हैं, बीजेपी की पार्टी है, जो मोदी की पार्टी है इस वक्त, क्या एक्सट्रीमिज्म लोग हैं, लेकिन वो इस वक्त दूसरे मजहबों पे हमला नहीं कर रहे। हमारे यहाँ क्रिश्चियन फ्री हैं, क्रिश्चियन अपनी इबादतगाहों में जा सकते हैं, हिंदू अपनी इबादतगाहों में जा सकते हैं। मजहब को बीच में लाएंगे तो मजहब को बीच में सर अगर नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है इधर 28 करोड़ आवाम है, उधर 34 करोड़ आवाम है, हमसे ज्यादा मुसलमान मुस्लिम। देखें मैं यही कह रहा हूँ, आप मजहब को डिस्कस ना करें, हम चाहते हैं हमारा मुल्क तरक्की करे, वो उसी वक्त होगा जब हम माइंड से सोचेंगे, हम सारी चीजों को साइड से चलेंगे। अपना किसी वो तो अपना कुत्ता नहीं भेजना चाहते यहाँ पे, उनके प्राइम मिनिस्टर आए थे नरेंद्र मोदी जो आए थे नवाज शरीफ साहब के वहाँ पे, उसके अलावा वाजपेयी साहब आए थे, उन्होंने समझौता एक्सप्रेस लाई थी। और दूसरे नंबर पे भाई मुझे रिलेशन बेहतर करने हैं अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सामने उनके लिए करतारपुर खोला, सबसे बड़ा करतारपुर खोला, इससे बेस्ट क्या करे यार हम लोगों अभी तक बताए। फिर सर फिर मसला कश्मीर को सामने रखते हैं ना, बात है ना, अप्रिशिएट करते हैं जी। मैं जी जी देखें मेरा इससे ज्यादा पॉजिटिविटी इससे ज्यादा लचक क्या पाकिस्तान का, मेरा पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं यही चाहूंगा कि यहाँ तरक्की हो, ठीक है, उसके लिए तरक्की तो हम पाकिस्तान में चाहते हैं, तरक्की नहीं हो रही है। इंडिया से तल्लुकात बेहतर होंगे लेकिन बराबरी पे, हम कई बार कोशिश कर चुके हैं। किसने कहा बराबरी पे नहीं होने चाहिए, ये बताएं, इंडिया नहीं जा रहा तो भाई इसमें हमारी क्या गलती है, हम बात करें या हम बात करना बंद कर दें? मैं बात कर रहा हूँ ऐसे नफरत बढ़ेगी या मोहब्बत बढ़ेगी? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ आप भाई, एक मिनट, आपका टॉपिक ये था कि हमारी गवर्नमेंट कोशिश नहीं कर रही, माइंडसेट नहीं है उनका, भाई हमारी गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा माइंडसेट है बोला गया इंडिया से तल्लुका बेहतर करने के लिए। मेरे जज्बाती भाई एक मिनट दूसरों को भी मौका दे, पब्लिक की ओपिनियन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जज्बाती होना नहीं चाहिए, मेरा क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, आप इनसे कह रहे थे ना मेरे से, आपका हक है इंडिया को कश्मीर को छोड़ दें साइड पे, एक मिनट, क्या पाकिस्तान की ये हालात हैं कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है, जानते हैं आप लोग कौन कर रहा है, बताएं आप बताएं, मैं जानता हूं, मैं बोलूंगा मुझे फिर ये कह देंगे ये देखो अपने। सबसे जो बड़ा मसला है ना हमारा वो इंडिया, यार देखें वो वाले दौर नहीं रहे कि घर बैठे रहें दुआ मांगे या अल्लाह कश्मीर को भी फतह दे, ठीक है, सारा जाना पड़ता है लड़ना पड़ता है, एक पॉइंट। दूसरा इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है ना आप उनको डिस्कस करें, आप यहाँ बेहतर होगा ना, मेरी बात सुने, पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे तब हम जाके लड़ेंगे, ऐसे हालात अच्छे हैं नहीं, ठीक है ना, पॉसिबल है क्या ये पॉसिबल है कि हम, एक मिनट मेरी इंडिया को छोड़ें, मेरी बात, एक मिनट मुझे मौका दें, क्या ये पॉसिबल है आप इंडिया आप कश्मीर को इंडिया को तब फतह करना पहले अपने हालात फतह करने की तो बात ही नहीं, क्या ऐसे पॉसिबल है कि भाई पाकिस्तान के इंटरनल मैटर डिस्कस करते रहे, इंटरनेशनल लेवल पे हम अपने रिलेशन ना बेहतर करें और पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए, पॉसिबल है सर? असल में गेम जो हो रही है सारी पैसे के, मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका डिसेंट्रलाइज है, उसके पास जो प्रिंटिंग मनी है ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एजुकेशन के हवाले से जो हमें नहीं बताया जा रहा, अमेरिका के पास गोल्ड बैकअप नहीं है, वो जितने चाहता है पैसे प्रिंट करता है, वो फिर देता है आगे लोन देता है, ठीक है, और ये सारा प्रोसेस हो रहा है अमीर को अमीर तर करना और गरीब को गरीब तर करना, और ये उसी वक्त होता है जब यहाँ पे इन्फ्लेशन आती है, इन्फ्लेशन में होता है अमीर अमीर तर होता है और गरीब गरीब तर होता है। हम जाहिलों को, मैं खुद जाहिल हूँ, मुझे कहा जाता है भाई इमरान खान को वोट दो नवाज शरीफ को वोट दो, हमें सियासत में फंसा के जो हमारी तरक्की है उससे हमें हटाया जा रहा है। बेसिक इशू एजुकेशन डेवलपमेंट और इसके अलावा हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हम जज्बाती हैं सर, बात करने सर, हम बेसिकली जज्बाती कौम है और वो इसी चीज को इसी का फायदा वो लोग उठा रहे हैं, उनको पता है बीच में जो हमें ऊपर से कंट्रोल कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट भाई आप खुली कर दें, आपको पता है ना, आप खुली बात करें, हिम्मत मसले हिम्मत करें, अभी अभी बात करता हूँ
ये भाई ने बात की है, मैं वही कह रहा हूँ कि अपने अंदरूनी ये जो बात की है ना भाई ने, बड़ी कॉमन थी, ये हम सबको पता है हमारे साथ जो हो रहा है। लेकिन बात कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, मैं बताता हूँ कौन कर रहा है बता। भाई हम मैं अमेरिका, इसराइल, इंडिया, कौन कर रहा है हमारे अंदरूनी मैटर्स हैं, कौन कर रहा है, कौन, हमारे कुछ लोग गद्दार भी हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, लेकिन फिर भी हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद है भाई। पाकिस्तान जिंदाबाद तो है और रहेगा। अभी टॉपिक हट गया ना, हट गया इंडिया से, तल्लुकात से हट गया। हाँ कौन सी ताकत है वो बता रहे हैं ना, को ऊपर वाले ओपिनियन है, वो बताना चाहे ना बताना चाहे। सर इसको देखें, मेरी बात सुने, आप बताएं जी कौन है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। मैं बताता हूँ मेरे ख्याल से, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हो रही तो उसके जिम्मेदार मैं हूँ, ये भाई हैं, ये है ना, कोई इदारा जिम्मेदार है और ना ही कोई बरूनी ताकतें जो हम हर बात में ले आते हैं। अमेरिका ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया। मेरी सोच जब तक ऐसी रहेगी, मेरी सोच जब तक जज्बाती रहेगी, जब तक मैं ऑथेंटिक बात नहीं करूंगा, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ नहीं आएगा। मुझे ये बताएं इस वक्त क्या पीडीएम की हुकूमत की ये वो है वक़्त है, वक़्त है, दो मिनट, क्या वो क्या उनकी ये वक़्त है कि वो इतना टफ टाइम दें इमरान खान को, टफ टाइम दें क्या पीडीएम या किसी भी सियासी की ये हिम्मत होती है? मैं, मेरा सवाल ये रहता है कि हमने आगे कैसे जाना है, हमने आगे कैसे जाना है? जब इदारे इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे सियासतदानों की लाइफ में या उनकी पॉलिटिक्स में, ठीक है ना, ठीक है, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट कोई है, ठीक है, उसमें उसको उतार के रजीम चेंज करो फिर आ जाए, ठीक है, उनको क्या इनकी वक़्त है पीडीएम जितनी भी हुकूमत पॉलिटिशियंस की, हाँ क्या ये है? मैं बताऊं पढ़ा लिखा हमें, हम ना मेरी बात सुने, पता क्या मैं बताता हूँ, पाकिस्तान के हालात कौन खराब कर रहा है मैं बताता हूँ, मैं एस्टेब्लिशमेंट है और कौन है एस्टेब्लिशमेंट, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसे लगता है, मुझे एक मिनट, आपने आपको नहीं लगता, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, मैं किसी इदारे को गलत नहीं कह रहा, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ, गलत कहने का ये मकसद नहीं होता कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को गलत नहीं कह रहा, ये कह रहा हूँ कि उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरी बात सुने, एक मिनट बात सुनो, ऐसे ही है, मेरी बात सुने, आपने बोला इंडिया कहाँ से आ जाता है, आज आपने सिर्फ जाके न्यूज पढ़नी है, जाके मीडिया पे देखना है कि आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान की जो फॉरेन अफेयर्स की जो कमेटी है उन्होंने ये रिकमेंडेशन शहबाज शरीफ साहब जो के प्राइम मिनिस्टर हैं, गौर से सुनेगा, उन्हें दिया है कि इंडिया के साथ हालात बेहतर करें। अब क्या वो सारे पार्लियामेंटेरियन गद्दार हो गए? गद्दार नहीं है, वो एक प्रोसेस है। उन्होंने इंडिया को क्यों डिस्कस किया, उन्होंने इंडिया को क्यों हमेशा की तरह, अब बात सुन तो लो, अच्छा मुझे बोलने दो, वो तुमने मेरी बात खुद ही सवाल जवाब दे दिया अब कि हमारी गवर्नमेंट फिर पॉजिटिविटी दिखा रही है। अभी तुम बात कर रहे थे, अभी इसने अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया। अभी ये बंदा कह रहा था हम कोशिश ही नहीं करते, हमारे माइंडसेट नहीं है, हमारे वो चीज नहीं है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ये देखें, अगर मैंने पूरी वीडियो में कहीं कहा हो कि हमने कोशिश नहीं की, मैं गवर्नमेंट को अच्छा कहूंगा। अभी तुम कह रहे थे हमारी गवर्नमेंट कोशिश नहीं करती, इंडिया से ताल्लुक बोल रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपने कहा भाई क्या ऐसे हालात बेहतर होंगे, आप ना ताल्लुक वास्ते को छोड़ दें इंडिया के साथ। ऐसा कौन इंसान है जो चाहता हमारे घर में वसैल ना हो, कौन इंसान है जो नहीं चाहता, ठीक है? आप जो बात कह रहे थे कि हमें आगे जाने के लिए क्या चाहिए, आपको पता है कि क्या चाहिए आगे, क्या जगह? मैं तो पब्लिक की ओपिनियन लेने आता हूं। इंसान मेरी सबसे बेहतर ये है कि आगे जाने के लिए इंसान के अंदर पहली बात की इंसानियत होनी चाहिए, दूसरी बात ये इंसान है अगर उसके दिल के अंदर ईमान होना चाहिए, ऐसे ही है, आगे जाने के लिए उसको भी करना चाहिए, फॉलो झूठों से नफरत करनी चाहिए, ठीक है, सच बोलना चाहिए, झूठों से झूठ से नफरत करनी चाहिए, ठीक है, सच बोलना चाहिए हर चीज का, साथ के लिए अल्लाह पाक भी साथ देता, आगे चला जाता है इंसान। यही मेरा कहना है कि भाई झूठ बोलोगे, जज्बाती बात करोगे, ऑथेंटिक बात नहीं करोगे तो मरने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, मरने का नहीं, नहीं नहीं नहीं, वाइंड अप करते हैं बात को, क्या ये बात को खत्म कैसे किया जाए? मेरी कोशिश ये होगी, एक मिनट मुझे मेरी बात सुने, अच्छा सबकी बात होगी, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरे भाई हैं ये आज मेरे से जब भी डाल के जाएं, आज ये मेरी बात से एग्री करके जाएं कि भाई जी आप कह रहे हैं पाकिस्तान में पहले अमन ना हो दूसरों के साथ जाके,
पहले पाकिस्तान में ऐसा बोले ऐसा नहीं नहीं ऐसी पाकिस्तान में तो नहीं एक मिनट ऐसा बाद में हम चलेंगे ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है हमारे पाकिस्तान को इंडिया में मत मिलाया जाए इंडिया में नहीं मिलाया जाना चाहिए आपका क्वेश्चन ही गलत है आपका क्वेश्चन ही गलत है पहले अल्लाह का नाम ले पाकिस्तान में तो हालात बेहतर करें मेरे भाई पहले तो हमें जज्बात में नहीं आना चाहिए ना पहले हमें जज्बात में नहीं नहीं जज्बात नहीं ये क्वेश्चन ही गलत है आपका क्वेश्चन ही गलत मैं गलत करता मेरा मेरा एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है बताएंगे एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि इंडिया और पाकिस्तान के या कश्मीर के भाई कश्मीर का मैंने नाम लिया इंडिया कश्मीर का मैंने कहीं नाम लिया नहीं नहीं भाई हल कैसे होगा मुझे ये बताएं ये मसला हल ये हल होगा हल होगा भाई हल होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान फलेगा फूलेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो हालत है हमारे कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस की वजह से है हमारे अंदरूनी मामला थे वो नहीं मानते हैं ना फिर हम क्यों किसी पे ब्लेम करते हैं मेरा ये हम कब ब्लेम करें वो जो तुम बात करते हो जब इंडिया की तब हम बात करते हैं आपको दे सकता हूं कि जब हम हमेशा ब्लेम करते हैं अभी कल मैं आप फिर कहते हो इंडिया का नाम कहां से आ गया अभी कल शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है खबरें पढ़ा करें आइडिया उन्होंने ये बोला है कि जो 9th मई को हुआ वो 1965 में इंडिया नहीं कर सका मतलब हम अपने घर के मामले में फिर इंडिया को ले आए ये हमारे अंदरूनी मामला थे तो इंडिया का क्यों नाम इंडिया का क्यों नाम इंडिया का क्यों नाम अब इंडिया इंडिया हमें सिर्फ सिखाया गया कि गद्दार इंडिया में है पाकिस्तान में गद्दार है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है एक मिनट क्वालिफिकेशन क्या है आप कहना चाहते क्वालिफिकेशन हर बात पे आप इंडिया का नाम लेने जा रहे हैं दूसरे क्वालिफिकेशन बात करनी है इसके वीडियो इंडियन चैनल्स पे चलते हैं बाकी नीचे लिखता है वंदे मातरम इसके वीडियो के एंड पे मेरे लिए फखर वाली बात है ये मेरे लिए मेरी बात सुने बंदा काम कर रहा है जो आपकी ओपिनियन रहेगी तो शायद पाकिस्तान बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लड़ना नहीं चाहिए तो ये कौन सा मैं तो हैरान हूं मेरी 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 बात सुने अभी आपने नहीं बोलना आपने नहीं बोलना अभी हमारा शुरू से जो टॉपिक ये सब सुन रहे थे ठीक है ये लोग भी बाद में आए कि हम कोशिश नहीं करते इंडिया से अगर तल्लुकात बेहतर शुरू से खड़े हैं आप शुरू से खड़े हैं मैंने एक दफा भी कहा हम कोशिश नहीं करते सर इन्होंने बताइए बेसिकली जो पॉइंट उठाया है वो इंटरनेशनली हमने इंडिया मैं नहीं लाया हम ईरान की बात कर रहे थे वीडियो के स्टार्ट में देखे आपने मुझसे सवाल ही किया ईरान की बात हो रही थी सर सबसे पहले हमसायों को टारगेट किया उसमें ईरान भी है अफगानिस्तान भी है तो जब हम एक कंपटीशन एक मिनट जज्बात आपकी तालीम क्या है तालीम क्या है तालीम कुछ नहीं पर्सनल नहीं जाना एथिक्स होते हैं ना जब बात हो रही हो तो बीच में जी आप मैं ये कह रहा हूँ कि जब बात हो रही हो इधर से ये भी करेंगे ये भी करेंगे देखने नहीं नहीं जॉब तो है देखने वाले कहेंगे हंसेंगे फिर आप कहेंगे हमारी वजह से हंस रहे हैं नहीं कहेंगे क्या ऐसी बात है हंसेंगे देखें मेरा ओपिनियन ये है ये मुल्क जो है ये पर्सनली हर बंदा इसको अपना घर समझे ठीक है और हर बंदा जो है वो अपने घर का जिम्मेदार होता है ठीक है कोई भी बात जब मुल्क पे आती है तो वो यही समझे कि मेरा ये पर्सनली मामला है और इसको जब मैं कंट्रीब्यूट करूंगा तब जाके मुल्की या इंटरनेशनली लेवल पे अच्छा होगा ठीक है उसके लिए उसको किसी पे इनसार नहीं करना चाहिए कंट्रीब्यूशन क्या रही है हमारी हम सिर्फ क्या देखें मेरी बात सुने ऑथेंटिक सी बात है आप डिसएग्री कर सकते हैं मैं इधर खड़ा होके कहूँ पाकिस्तान जिंदाबाद कोई फायदा नहीं है ये गार्बेज है सारा ठीक है हमें इमोशनली कुछ करने की